मजा आया। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, ब्लैक विडो मूवी के फाइनल ट्रेलर के बाद काफी लोगों ने मुझे ट्रेलर ब्रेकडाउन के लिए कहा, बट मैं 3 मंथ्स पहले आए ट्रेलर के वक्त ही ऑलमोस्ट हर चीज को कवर कर चुका था। इसका मतलब कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है ब्लैक विडो मूवी से रिलेटेड तो आप ये वीडियो चेकआउट कर लेना। तो गाइज, मेरा नाम है दीपक और अब भले ही ट्रेलर ब्रेकडाउन मैं नहीं करने वाला हूँ, मगर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ब्लैक विडो ट्रेलर में दिखे कुछ ईस्टर एग्स और कॉलबैक्स के बारे में, दैट इज द थिंग्स इन द ब्लैक विडो ट्रेलर दैट ओनली आई ऑब्जर्व्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। नंबर 1, कॉलबैक टू विंटर सोल्जर। टास्कमास्टर को जाना जाता है उसकी कॉपिंग स्किल्स यानी कि फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस के लिए, और इस ट्रेलर में हमें वो आयरन मैन 2 मूवी के इवेंट्स के टाइम वाली नताशा की फुटेज देखता हुआ दिखाई दिया था। तो प्रोबेबली वो हर एक अवेंजर के फाइटिंग मूव्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहा हो, और शायद इसी दौरान उसने बकी बांस यानी कि विंटर सोल्जर के भी मूव्स को कॉपी कर लिया हो, क्योंकि जिस सीन में उसने नताशा और येलेना की गाड़ी को ब्लास्ट किया वो काफी सिमिलर था कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के उस सीन से जहां बकी बांस ने निक फ्यूरी की गाड़ी को ब्लास्ट किया था। मतलब ये गाड़ी उड़ाने की स्कीम टास्क मास्टर को बकी से ही पता चली थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नंबर 2, टास्क मास्टर नोज अबाउट द अवेंजर्स। तो फिर से बात कर लेते हैं इस सीन के बारे में जहाँ टास्क मास्टर ब्लैक विडो के मूव्स को देख रहा था ताकि उसके अगेंस्ट बैटल में वो उन्हें यूज कर सके, या सिंपली वो उसे स्टॉक तो नहीं कर रहा था। नेवर माइंड। तो ये फुटेज जो टास्क मास्टर देख रहा है वो है आयरन मैन 2 मूवी के टाइम की। इसका मतलब अगर टास्क मास्टर को ब्लैक विडो के बारे में पता है तो उस समय इसके साथ काम कर रहे आयरन मैन और बाकी अवेंजर्स के बारे में भी जरूर पता होगा, और वो उनके स्किल्स को भी डेफिनेटली कॉपी करेगा। और हाँ, एक और कंक्लूजन जो मैंने इस सीन से निकाला वो ये कि टास्क मास्टर का रेड रूम प्रोग्राम काफी ज्यादा हाईली एडवांस्ड है, क्योंकि ये फुटेज जो वो देख रहा है वो हमें पता है कि आयरन मैन 2 मूवी की है, मगर उसने थोड़े ही आयरन मैन 2 मूवी डाउनलोड करके ये सीन देखा होगा। उसने तो उस पर्टिकुलर जगह के डेटाबेस को ही हैक करके ये फुटेज निकाली होगी। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नंबर 3, चेहरा बदलने की निंजा टेक्निक। तो गाइस, बाकी काफी ईस्टर एग में से ये वाला सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और स्टोरी लाइन की हिंट देता हुआ नजर आ रहा है, जहां इस सीन में आप येलेना के फोरहेड पर एक लाइन बनी हुई देख सकते हैं। एंड इट मे साउंड वियर्ड, मगर ये लाइन इसलिए बनाई गई है ताकि येलेना के कंप्लीट फेस को उतारा जा सके और उसे किसी और के फेस के साथ बदला जा सके। वेल, फर्स्ट थिंग इज, हाँ ये चीज काफी वियर्ड है, बट एक्चुअली ये चीज हमें कॉमिक्स में देखने को मिल चुकी है जहाँ येलेना और ब्लैक विडो फेस स्वैप करते हैं। तो शायद इस सीन में भी यही होने वाला है जहाँ वो येलेना और नताशा का फेस स्वैप करें, बट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ इनका फेस स्वैप नहीं होगा और लास्ट मोमेंट पर कुछ धमाका हो ही जाएगा, क्योंकि अगर इनका फेस स्वैप होता तो इसका मतलब ये होता कि अवेंजर्स एंड गेम में दिखी नताशा नताशा नहीं बल्कि येलेना बेलोवा थी और असली नताशा अभी भी जिंदा होती। बट दिस वॉज नॉट द केस, क्योंकि रेड स्कल ने क्लियरली नताशा का नाम स्टेट किया था और उसके फादर का भी, और रेड स्कल शक्ल देख के नाम नहीं बताता, वो ये काम करता है सोल को देख कर। इसका मतलब ये कि जो मरी वो नताशा ही थी और येलेना और नताशा का फेस स्वैप सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वेल, सेकेंड रीजन ये भी है कि जितना करीब नताशा क्लिंट के थी उतना करीब येलेना नहीं थी। दैट मीन्स कि अगर वहाँ येलेना होती और वो खुद को सेक्रीफाइस कर देती तो क्लिंट को सोलस्टोन मिलता ही नहीं। वेल, भले ही फेस स्वैप हो या ना हो, मगर कॉमिक बुक फैंस के लिए एक काफी इंटरेस्टिंग कॉमिक बुक रेफरेंस तो रहेगा ही। नंबर 4 पर बढ़ने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि शायद एक कंफ्यूजन की वजह से इस पॉइंट का मुझे बैकलैश फेस करना पड़ सकता है इस वीडियो के कमेंट्स में, और वो ये कि लास्ट ब्लैक विडो ट्रेलर में जहां हमें नताशा के हाथ में ये वाइल्स दिखाए गए थे उन्हें कई लोग पिम पार्टिकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा ही कम है, और मेरे अकॉर्डिंग ये पिम पार्टिकल्स नहीं बल्कि सुपर सोल्जर सीरम के सैंपल्स हैं, जिनकी मदद से प्रोबेबली इस मूवी में अलेक्सी सोस्टकोव को रेड गार्डियन में बदला जाएगा। नंबर 4, रेड हल्क। तो ब्लैक विडो के हर ट्रेलर में
थंडरबोल्ट रोस को डीएच करके दिखाया गया है। ये वही कैरेक्टर है जो हमें मार्वल की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में हल्क के पीछे और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सभी एवेंजर्स के पीछे पड़ा हुआ दिखाई दिया था। बट अब ये किसके पीछे पड़ा है, आई मीन इस मूवी में इसके कैरेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस है? तो मेरे अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर शायद इस मूवी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि इसे हमने द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में सुपर सोल्जर सीरम के पीछे पड़े हुए देखा था। जहां तक मेरा अंदाजा है, नताशा के पास सुपर सोल्जर सीरम की सप्लाईज होने के चांसेस हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने अपनी ब्लैक विडो फुल स्टोरी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि प्रोबेबली ब्लैक विडो प्रोग्राम में टास्क मास्टर ब्लैक विडोज को सुपर सोल्जर सीरम की मदद से ही इनहेंस करेगा। और हाँ, कॉमिक्स में आगे चल के थंडरबोल्ट रॉस ही रेड हल्क भी बनता है, तो शायद अब फाइनली रेड हल्क हमें एमसीयू में इन एक्शन देखने को मिल जाएगा। एंड यस, जिस सीरम से ब्रूस बैनर को हल्क बनाया गया था वो ग्रीन था और इस बार वाला सीरम रेड है, तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं कि E=MC2। और रेड हल्क की प्रेजेंस एक और सुपर हीरो टीम की एमसीयू में एंट्री को अलाउ कर देगी, जो कि होगी द थंडरबोल्ट्स। क्योंकि काफी रूमर्स और लीक्ड सेट इमेजेस से ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि थंडरबोल्ट रॉस इस मूवी में एक न्यू टीम थंडरबोल्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है। नंबर 5, यू ब्लिंक यू मिस। तो ये वाली डिटेल इतनी ज्यादा छोटी थी कि काफी लोगों ने इसे मिस कर दिया होगा। तो जिस सीन में हमें मेलेना का सीक्रेट स्पाई रूम दिखाया जाता है, वहाँ इस सीन में हम मेलेना के पीछे एक मास्क देख सकते हैं। बेसिकली ये मास्क मेलेना का आयरन मेडन मास्क है। कॉमिक्स में मेलेना इसी आइडेंटिटी को अपहोल्ड करती है और एक विलन के रूप में नजर आती है। शी बिकेम आयरन मेडन बिकॉज ऑफ हर जेलसी फ्रॉम नताशा। ये जेलसी ही उसके मन में नताशा के लिए हेट्रेड को बढ़ा देती है और वो एक विलन के रूप में डेवलप होती है और बेसिकली हर वो चीज खो देती है जो वो डिजर्व करती थी। सो डोंट बी जेलस ऑफ एनीवन, यू विल श्योर गेट व्हाट यू डिजर्व व्हेन द बेस्ट टाइम कम्स। वैसे अगर मूवी में मेलेना को आयरन मेडन की जगह टास्क मास्टर के तौर पर दिखाया गया तो एक काफी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है। नंबर 6, टास्कमास्टर एज अवेंजर्स। तो बेसिकली ये एक चीज होने वाली है इस मूवी में जो हम थ्रू आउट द मूवी एंजॉय करेंगे, और वो है टास्कमास्टर कॉपिंग स्किल्स ऑफ अदर अवेंजर्स। जैसे इस सीन में वकांडा फॉरएवर करता हुआ टास्कमास्टर, तीर कमान पकड़ा हुआ टास्कमास्टर, स्पाइडरमैन जैसी सुपर हीरो सुपर विलन लैंडिंग करता हुआ टास्कमास्टर। वेल, फिलहाल तो एमसीयू में स्पाइडरमैन भी विलन ही है, यू नो व्हाट आई मीन। और इसके अलावा शील्ड के चलते, ऑर्गेनाइजेशन नहीं ऑब्जेक्ट वाली शील्ड, टास्कमास्टर काफी हद तक कैप्टन अमेरिका की फाइटिंग स्किल्स को भी कॉपी करता हुआ नजर आएगा, एक्सेप्ट कि कैप्टन के शील्ड की तरह उसकी शील्ड हमेशा उसके पास वापस नहीं आती। तो ये सब तो फिर भी वही मूव्स थे जो टास्कमास्टर ने ट्रेलर में कॉपी किए। इसका मतलब मूवी में तो वो बिल्कुल ही कहर ही ढाने वाला है भाई। सो दिस इज इट गाइज, ये थे वो कुछ डिटेल्स जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू स्मैश दोज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, उम्मीद है आप लोग जल्दी ही इसे पूरा कर डालोगे। थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर वॉचिंग द ब्लैक विडो मूवी वाली वीडियो देखने के लिए ऊपर वाली, और थर की कॉमिक बुक कैरेक्टर्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, बी डायनेमिक एंड डोंट फियर टू डू व्हाट यू लव। पीस।